बेटा जल्दी बाहर आ जाओ यार, काहेसी के हमारी पेट में हिलोरे उठ रही है। आओ आओ बंटू जल्दी बाहर निकलो, हमारे पेट में भी। यार तुम जा मामले में हमारी एक जान काय खाते हो यार, जब हमारे पेट में हिलोरे उठने लगते तभी तुम्हारे पेट में भी हिलोरे उठने लगते हैं। काय बाबूजी हमारे पेट में हिलोरे काय नहीं उठ सकत, उड़द की दाल का रात तो हमने नहीं खाई होती। अरे सबरी पंचायत कर लियो, पर बहुत जा मूर्खा को जेब तो ना समझियो कि रात को उड़द की दाल काय बनाते हैं। यूं की बुआ जी अम्मा को बात इतनी आसानी से समझ में कैसे आते है। स्वीटी जी कह के नहीं मैं आओ, मुंह बंद रखना सिखाओ जाए। क्योंकि सीखने की बात को अब आप करो नहीं, कैसे कि रात में उड़द की दाल नहीं बनाने हैं, ये तो आप अभी तक सीख नहीं पाई। उतर खड़ो खड़ो मुंह बाके का देख रहा है, कब्जू राम जाए चुप रहना सिखाओ। हमें ये बताओ आज तुम सुबह से इतने कलेश काय के लाने कर रही हो। अच्छा कलेश अकेले हम कर रहे हैं, तो को कर रहा हुआ है मूर्खा देवी। भैया ये पेट संभाले कि इन्हें संभाले, तनक शांति धरो तुम। अरे अरे बुआ जी ये काम मांग लो अपने इनसे। पप्पू मुंह बंद कराओ जब बम्बई की भगोड़ी को। हमें बम्बई की भगोड़ी बोल दो, फिर से बोल दो। तो होइया वही तो बोल है ना। अरे बहुत कुटोल का के मोड़ा बता रहे, उसे अंदर बैठ के निबंध लिख रहे थे। का लिख नहीं रहे थे मामा, बस सोच रहे थे कि 26 जनवरी के निबंध में का का लिखने हैं। ओ भैया जो ही तो हम भी सोच रहे थे, अपने गुड्डे गुड़ियन को कल की परेड के लाने तैयार करते। भाई क्या तो का 26 जनवरी मनाई काहे जाते, यो कि हम बताएंगे कैसे कि हमने भी स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखा है। तो वाह सरला की बहू वाह, स्वतंत्रता दिवस है तो गणतंत्र दिवस कब आत है जे नहीं पतो तुम्हें? कितने से पतो हुई है, दिमाग पे तो लिपस्टिक पोती भई है इनके। कल दो एक साथ पढ़ रहे का? हाँ। वो गुड़िया कल के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान जो का होते जे बाबूजी बताएंगे। का होते बाबूजी संविधान? संविधान बेटा बता रहे संविधान वो होते जी में अपने देश के समस्त वर्गों के हितों को ध्यान में रख के और नियम कायदे बनाए गए हैं। अच्छा तो अपने घर को संविधान कितने ही अपने घर को संविधान? हाँ अपने घर को संविधान। अरे बाप रे हमें नहीं पते। अच्छा अब हमें समझ में आई कि हमारे घर में इतने खोत ते मकाए मचे रहे थे, वो लोग हर बिना संविधान के जो हैं। हम का कह रहे कि अपने घर में भी संविधान लागू होने चाहिए। यार पप्पू मुझे गुड़िया के दिमाग पर नौ भूत सवार हो गया यार, अब वो अपनी जान के है। पर बाबूजी कब तक बचेंगे? वो इतने एक आसानी से अपन लोगों का पीछा छोड़ने वाली है नहीं। अरे ओ कबाऊ भी कितनों भी अवतरित हो सकते हैं। हाँ बाबूजी अगर बा के मन में बात आई है ना तो ऐसे ही ना निकले। ऐसा ही नहीं निकल रही, और आप और खुद ही बताओ का गलत डिमांड कर रहे हैं। जब अपने देश को संविधान हो सका थे तो अपने घर को काहे नहीं? ओ भाई क्या राजू और कितने परीक्षा ले हो हमारी, हमारी गुड़िया की शादी नहीं करवा रहे, देख नहीं रहे मोड़ी दिन पे दिन कैसी बिकट होती जा रही है। हाँ हो जा रहे हैं हम बिकट, पर तुमसे तो कम ही हो रहे हैं सरला देवी। वैसे तो हम तुमसे बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी, पर जी एक बात तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है कि घर को संविधान बनने हैं, और संविधान बनने के बीच में अगर तुम आई ना तो बिल्कुल भी अच्छो नहीं हुई है। और एक बात बताओ इतने खुराफात है तुम्हारे दिमाग में आज के पैसे है घर को संविधान हो थे जो तुमने सुनो है पहले कमाओ। हाँ नहीं सुनो, पर जो चीज नहीं सुनी हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो आगे कमाऊ हो ही नहीं सकत। घर को संविधान नहीं है जैसे तुम इतनी जातियाँ करती हो सब लोग के ऊपर, तो सुन लो सीधे सीधे से संविधान लागू करवे के लाने राजी हो जाओ, नहीं तो फिर हमें रोलक टैक्स राजी करने पड़े। ओ भैया
जी और संविधान को नाम सुन के ऐसी उड़न चू हो जा रहा है कि क्या बताएं। गोल गप्पा खाने जाने पड़े, उतई जाके हम दिमाग चल है। भाई निम्बू मिश्रा को जिताना है, धमतालपुरा का मान बढ़ाना है, पानी बिजली और सड़क का नव निर्माण कराना है। भाई निम्बू मिश्रा को जिताना है, धमतालपुरा का मान बढ़ाना है। ओ भैया जे का बोल रहे हते और नींबू मिश्रा को का जताने हैं? अरे वो पार्षद के चुनाव होए वाले हैं ना। पार्षद? हाँ। ओ भैया जो का होता है? अरे वो ही अपने एरिया में का होवे को चाहिए का नहीं होवे को चाहिए ये तय करते हैं। जी रे ओ भैया ये तो हमारे प्रॉब्लम को सलूशन इतना मिल गया। अगर हम पार्षद बन जाए फिर तो हमें संविधान बनावे से कोई भी नहीं रोक सका। फिर अपने भोले घर को का? हम तो पूरे धमतालपुरा को संविधान बनाते हैं सेपरेट वालों। है? आप तो हमें ये बताओ हम पार्षद बन सकते का? काई नहीं बन सकते तो? अरे गुड़िया तुम तो कछु भी बन सकते हो। अरे ऐसे नहीं यार पप्पू, तुम जाए ना ऐसे तलक झटका से नीचे चलाओ और हम इतने ऐसे मोह लगा के ओ, 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 करके हवा खेचे। अरे कितने एक बार तो कर चुके हैं बाबूजी, ऐसे कछु तो होता नहीं है। क्योंकि हम तो सबसे कह रहे कि जा हैंडपंप उखड़वा के बाकी जगह पे फव्वारा लगवा दो। आओ ताकि तुम हीरोइन बन के खुले में ना के खूब अदाएं बिखेरो। थैंक यू अम्मा। हमें हीरोइन बोल दे के लाने। अरे फालतू में हम नहीं कहे कि मूर्खन की फौज इकट्ठा कर रखी है मूर्ख तुमने। हमने डिसाइड कर लो है। क्या डिसाइड कर लो है? कि हमें पार्षद बनने हैं। पार्षद? हाँ बाबूजी, तो हमारे लाने नामांकन फॉर्म की व्यवस्था कर दो। हाँ हलुआ है ना कि मुँह से निकलो और बन गए पार्षद। वो भाई सरला देवी, हम जब तुमसे बात नहीं कर रहे थे तुम काय को बीच बीच में हमसे बोलती हो? एक मिनट गुड़िया, तनक तमीज से बात करो अम्मा से। थैंक यू बेटा। हाँ पप्पू भैया हम आप फोकस नहीं लाओ बिल्कुल भी। पार्षद के चुनाव हो रहे हैं और हमें पार्षद बनने हैं। पार्षद पार्षद होते मूर्ख नहीं जो तुम सुबह से शाम तक बनत रहते हो। क्योंकि पार्षद को होते मेकअप को सामान होते। अरे तुम्हें का करने की को होते इस मेकअप को सामान होते। वो भैया हम जानते सरला देवी कि तुम बातन को घुमा के ना हमारा जो सुनहरो सपना भी तोड़ देगी कोनो कसर नहीं छोड़ो। बकवास तो करो नहीं, कछु भी खुराफात आत रहते जाके दिमाग में फिर हम लोग अनपो सिर खाते। अरे तुम्हारे बाबूजी को तो सपना है राजनीति में आवे को, बेतक तो सोच नहीं है पार्षद बनने के बारे में। हम सोच रहे हाँ, हम सोच रहे काहे कि सरला देवी ने अभी अभी मेंशन करो हमारा तो बचपन से ही राजनीति में आने को इंटरेस्ट है तो कभी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। गुड़िया के क्या एक्शन ने हमें बहुत बल दो है। हम सोच रहे कि जब गुड़िया बिना को सपना देखे बिना को तैयारी के पार्षद बनवे की सोच सकत है तो हम काहे नहीं। और का पता सांसद की कुर्सी की पहली सीढ़ी जेई हो। लो जेब में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। वो भैया रज्जो तुम्हारे घर में दो दो पार्षद बने जा रहे हो, तुम कहते हैं दानन में भुनबे में चक्कर में फंसी हो। अरे अरे गुड़िया एक एरिया में एक ही पार्षद होते है। आओ जो कि तुम्हारे बाबूजी हुई है। वो भैया पार्षद बनने की तो पहले हमने सोची है ना, तो पार्षद तो हम ही बने। आए बुढ़िया या अगर तुम पार्षद बन सकती ना बेटा तो हमसे ज्यादा खुशी को नहीं होती। पर अरे, अरे तुम ये समझा रहे पत्थर से सिर मारवे को का फायदा। वो भैया देख लो ये तो पहले ही स्टेप में हमारे अगेंस्ट हो गई और हमें पार्षद बनवे से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सका।
हाँ, अब हमें जय बताओ कि हमारे पार्षद बनने के पक्ष में को है। हाँ, हम तो जानत थे कि सबको भड़का दाओगा है, पर हम तो पार्षद बन के ही रहेंगे। हमें पार्षद बन में से को रोक के तो दिखाए। यार हम मोड़ी को कैसे समझाए कि पार्षद बनवे के लाने पढ़ो लिखो उन्हों भी जरूरी होते हैं। आप सीरियस हो बाबूजी? अरे कैसी बात कर रहे हैं पप्पू? जैसे आप बता रहे, देखो हमारा सपना दरवाजे के बाहर तरफ खड़े होके हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। अब हम उठ के दरवाजा भी नहीं खोले, कैसे हो सकते का? और का, हम उठ के दरवाजा भी नहीं खोले, ये सो हो सकत है का? मामला समझ में आ गो। दरवाजा है एक और जनन है दो। तो ऐसा है कि आप दो जनन को घर के सारे लोगों को कन्विंस करना है कि दोनों में से परफेक्ट कैंडिडेट कौन है। हाओ हाओ, कन्विंस तो हम ना छुट्टियों में कर लें सब औरन को, बाकी चिंता नहीं है। पर बाबू जी, तुम ना अपनो बोलो मन बिल्कुल भी नहीं दिखाइयो। पार्षद हम हुई है पर गद्दी तो आप ही संभालोगी हमारी। मोड़ी, सबसे पहले तो बेटा तू अपने आप को संभाल लो पार्षद। अरे नहीं 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 भाई साहब, हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो अपने बाबूजी के बारे में बात कर रहे हैं। वो पार्षद का चुनाव लड़ने के कह रहे आते ना, तो हम वो ही जानना चाह रहे कि अपनी कोई जान पहचान है उते वो टिकट टिकट के लाने? नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं वो तो हम जानते हैं कि कल लास्ट डेट है नामांकन की। क्योंकि क्या होगा पप्पू जी, इतने टेंशन में क्या लग रहे आप? छोटी जी, बाबूजी की चिंता हो रही है हमें, इलेक्शन लड़ने की कह रहे हैं, सोच रहे हैं, और तैयारी वैयारी का चुप करी नहीं है उनने, चांसेस तो ज्यादा हारने के ही हैं। अगर अगर हार गए तो बहुत दुखी हुई है बाबूजी। ओ पप्पूजी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पप्पूजी, हमारे पास जा प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा सलूशन है। क्या सलूशन है स्वीटी जी? आप बाबूजी को चुनाव लड़ने नहीं दो, आप लड़ो। बासे क्या हुई है स्वीटी जी? बासे ये हुई है कि बासे बाबूजी नहीं, आप हार हो। यार स्वीटी जी, कछु भी बोला तो आप, भगवान की कसम यार कमाल हो स्वीटी जी आप। बिल्कुल सही बोल रहे। अच्छा पप्पू जी, हमें एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना, क्या आप पार्षद नहीं बनना चाहते? अरे नहीं स्वीटी जी, हमने जा बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं है, सच्ची। तो सोचो ना पप्पू जी, जब गुड़िया सोच सकते है तो हमारे पप्पू जी का नहीं सोच सकते। अच्छा ठीक है, मान लिया हम पार्षद बन गए, क्या हुई ये बात है? ब्यूटी पार्लर हम खुलवा है पार्षद गुड़िया उर्फ प्रतिभा गुप्ता। सही में? और का इतिया जी, क्या अपने पूरे घर को अपन ब्यूटी पार्लर में कन्वर्ट करवा दे हैं। मेल लोगन की ब्यूटी पप्पू भैया और बाबूजी संभाल ले हैं, और फीमेल लोगन की ब्यूटी तुम अम्मा और रज्जू संभाल लियो। अरे नहीं 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 गुड़िया, हम ब्यूटी पार्लर जा से नहीं खुलवाना चाहते कि बाप ब्यूटी पार्लर में हमको और की ब्यूटी संभाले। हम तो ब्यूटी पार्लर जा से खुलवाना चाहते कि हम अपने पर्सनल ब्यूटी पार्लर में खुद की ब्यूटी निहारे। फिर रज्जू और अम्मा तुम्हारी ब्यूटी निखार दे। क्या कह रही गुड़िया, सही कह रही का? और का? प्रॉमिस करो। ये जी लो, कर दो प्रॉमिस।
पर हमें सपोर्ट कर रही हो। हाँ हाँ गुड़िया, हमारा तुम में पूरा सपोर्ट है। अब तो हम यही चाहते हैं कि हमारी गुड़िया पार्षद बने। पार्षद? एक मिनट गुड़िया, तनक हमारी बात सुनो। गुड़िया, बाबूजी के सपना के बारे में तनक भी नहीं सोच रही हो? हैं? वो भैया, हम बाबूजी के बारे में तो सोच रहे हैं, वैसे कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहत कि हमारे भोले बाबूजी मंत्री से नेचे कछु भी बने। जो पिछना हम उन्हें खिलाने तो बना रहे हैं। तनक समझो। हाँ। क्या बात है? हम अपनी गुड़िया को दिशा पाते देख रहे हैं। वाह, मैं सोचती है हमारी बहना। थैंक यू पप्पू जी। थैंक यू काय? पप्पू जी, जे मानने के लाने कि गुड़िया हमारा ब्यूटी पार्लर खुलवा के जीवन की सही दिशा में जा रही। यही चूल्हा चौका में घुसी रहो तो बाकी चीजन पर सब ध्यान दे हो। बुआ जी, चूल्हा चौका आप निपटा लो हैं? हाँ, तो बाकी की चीजन पे ध्यान दे पे है ना? ओ भैया, बहुत ही बिकट होती जा रही तुम तो, एक बात तक नहीं कर सकत तुमसे। चूड़ा देना जरा। बुआ जी, आप जे भी तो देखो कि आप कैसे बात करत हो हमसे। ओ भैया, तो का करे, तुमने अपने तरीके देखे हैं? कछु भी होत रहते जा घर में। अरे औरत को एक धूरी जैसा होना चाहिए, और तुम तो खुद ही पृथ्वी बने लुढ़कत रहते इते उते। ना तो जे हौस है कि मोड़ा मोड़ी का कर रहे, दामाद जी का कर रहे, खाली बैठे अते तब तक ठीक अते, अब चुनाव हार के सबकी नाक कटवाएंगे जे। बुआ जी, खाली बैठे हैं, लेकिन हम उन्हें को उसे मांग के नहीं खाते हैं, हैं? और आप इतने चिंता काय के लाने कर रही हैं? आपको इतने सीपरी में जानत को है, नाक कट है तो हमारी कट है। ओ भैया, इतने बवंडर काय मचा रही तुम? बवंडर हम नहीं मचा रहे, बवंडर तो आप मचा रही। एक तो जहाँ घर में बिल्कुल चैन नहीं है, सुबह से शाम तक कर करके खटत रहो, पर को हमारी पड़ी नहीं है। लो चाय पियो तुम। अरे का होगा, काय के लाने इतने फनफना रही सुबह। अरे जी बुआ जी, हमारा बहुत दिमाग खराब करत है सही में। तो का होगा, बुजुर्ग इंसान है, मन तनक सो बड़ो करो सरला देवी, ये नहीं भूलो कि अब तुम एक पार्षद की पत्नी होवे वाली हो। बस जय पॉइंट पे भी हमें बातें सुना रही, और तुम बताओ कि तुम कब समझोगे? आदमी को तो धुरी की जैसे होना चाहिए, पर तुम तो खुद ही पृथ्वी बने इतने से होते लुढ़कत रहते हो। और कौन सी बेवकूफी में पड़ गए तुम, कितने से लड़ते हो पार्षद को चुनाव? एक बात बताओ यार सरला देवी, तुझे डीमोरलाइज करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकत का? कब हम तो सपोर्ट करो यार, इतने सालन से देख रही तुम, हम अपने एक सपना को चेज कर रहे हैं, नया नहीं यार तुम, हम का अपने लाने पार्षद बन रहे, वही चिंता रहते है कब तक ऐसे काम करती रहोगी तुम? है हमें ये बताओ कि कब तुम औरन को भी वैसे ही अपने हिडन रूप से डराओगी जैसे हमको डराते हो? ये नहीं तो देखो और जमा करी फेसियल करोगा। ओ भैया, हाँ मैं स्वीटी समझो है का, हम तो नेचुरल ब्यूटी हैं, फेस की दिक्कत नहीं है, हमें तो हाथ खराब हो गए काम कर करके। राजू, तुम पार्षद बन जे हो तो वो मशीन ले आओ, वो जो ऐसे ऐसे करके पूरे घर के काम निपटा देते बिना बहस के। रोबोट के आते हैं भाई, तो तुम एक की का बात कर रही यार, हम सब लोग घर भर दे यार रोबोट से, ये हम दो आने हर साइज के रोबोट की एक अच्छी बात का होते हैं, पेट भी खराब नहीं होते। बस एक बुढ़िया की चिंता रहते यार, वो भी जोश में लग रही वो पार्षद वाली बात पे। हाँ तो भाई भी लड़न दो चुनाव का, एक साथ एक घर के दो लोग चुनाव नहीं लड़ सकत का? काय नहीं लड़ सकत,
का है कि पार्षद बनवे के लाने तनक सो पढ़ो लिखो होना जरूरी होते है। बुढ़िया को तो तुम जानते ही हो यार, जैसे हमने जे घर वालों को कन्विंस करवे वाली कंपटीशन में बाय हरा के और जीतने की सोची है। ओ भैया हैं, अब तो तुम जे बताओ, तुम हो सका तो का हमसे कन्विंस? ओ भैया, हम तो तुमसे कन्विंस ही कन्विंस हैं। और राजा जी, तुम्हारे अलावा हम को और को बूटी सकते हैं तो? ओ भैया, मेची जल गई हमारी। ओ भैया, ओ वार, ओ वार है हम सल्ला देवी के लाने। अब तो हम पार्षद को चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे, देखा ते हमें कोरू कथे।